हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट मलिएबल मटेरियल इज ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी सिल्वर। सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोल्ड। राइट, सो मोस्ट मलिएबल मटेरियल कौन सा है? गोल्ड। मलिएबल यानी कि इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट, जिसमें क्या होता है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है तो उस पर हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हम उसका एक शीट बना सकते हैं, राइट, उसको कंप्रेस करके उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन यहाँ से मोस्ट मलिएबल मटेरियल कौन क्या है? गोल्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लीड इज ऑप्शन ए ब्रिटलनेस, ऑप्शन बी मलिएबिलिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी एंड ऑप्शन डी हार्डनेस। सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी मलिएबिलिटी। राइट, यानी कि लीड का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा रहता है? मलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील कंटेनिंग कार्बन बिटवीन 0.15 to 0.30% इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए माइल्ड स्टील। राइट, सो स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है? 0.15 to 0.30%। तो उसको हम कौन सा स्टील बोलेंगे? माइल्ड स्टील बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मशीन टूल बॉडीज इज ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयन एंड ऑप्शन डी रूट आयन। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी कास्ट आयन। सो जो मशीन टूल का जो भी बॉडी रहता है वो उसका कौन सा मटेरियल रहता है? कास्ट आयन। क्रैंकशाफ्ट ऑफ मोटर कार इज मेड ऑफ ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील एंड ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी मीडियम कार्बन स्टील। जो मोटर कार होता है उसका जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो किस में से बनाया जाता है? मीडियम कार्बन स्टील में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल यूज फॉर क्रैन हुक इज ऑप्शन ए कास्ट आयन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी रूट आयन एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी रूट आयन। राइट, सो क्रैंक हुक होता है उसका कौन सा मटेरियल रहता है? रूट आयन रहता है, यानी कि क्रैंक हुक रूट आयन में से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल यूज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी निकल। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉपर। राइट, सो ऑटोमोबाइल में जो रेडिएटर रहता है उसका मटेरियल कौन सा रहता है? कॉपर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू शाफ्ट्स आर टू बी रोटेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ब्लैंक ड्राइव इज यूज्ड, ऑप्शन ए ओपन बेल्ट, ऑप्शन बी क्रॉस बेल्ट, ऑप्शन सी स्टेप्ड पुली एंड ऑप्शन डी फास्ट एंड लूज पुली। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रॉस बेल्ट। राइट, सो यहाँ पे क्या है, व्हेन टू शाफ्ट आर रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दो शाफ्ट होंगे वो कैसे रोटेट होते होंगे? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। राइट, तो उस टाइम हमें कौन सा ड्राइव हम यूज करेंगे? क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शाफ्ट आर एट राइट एंगल ब्लैंक्स ड्राइव इज यूज्ड, ऑप्शन ए ओपन बेल्ट, ऑप्शन बी ट्विस्ट बेल्ट, ऑप्शन सी क्वार्टर ट्विस्ट एंड ऑप्शन डी स्टेप्ड पुली। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्वार्टर ट्विस्ट। राइट,
सो जब भी दो शाफ्ट होंगे वो कैसे रहेंगे, एट द राइट एंगल। इस टाइम हम कौन सा ड्राइव यूज करेंगे, क्वार्टर ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांसमिट पावर थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ब्लैंक्स बेल्ट इज यूज। ऑप्शन ए प्लेट, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी टाइमिंग एंड ऑप्शन डी बी और सी। सो ओवर ये राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैट, राइट। सो हमें पावर ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो एट द टाइम वी आर यूजिंग फ्लैट बेल्ट, राइट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।